केरला की कोई भी न्यूज अगर मेरे सामने आती है, खुशी होती है मुझे देख के। जिस एयरपोर्ट से हम ट्रेवल करते थे, पैसेंजर है वो ट्रेवल नहीं करेंगे, सिर्फ वो बिजनेस को डेडिकेट होगा। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो पढ़ते पढ़ते मुझे एक वीडियो बनाने का मन किया, जिसमें अभी आप आगे देखना, बड़ा अच्छा टॉपिक है जिससे मैं मिस कर रही हूँ केरला को पढ़ते हुए। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जब भी पढ़ती हूँ ना और मेरे सामने केरला कहीं लिखा भी आ जाए तो मैं बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ती हूँ उस चीज़ को। चलो शुरू करती हूँ मैं अपनी वीडियो। गाइज, मैंने अभी पढ़ रही थी तो मुझे पढ़ते पढ़ते एकदम से करंट पड़ रही थी उस टाइम पे, तो ये क्वेश्चन सामने आया और मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो में लेना चाहिए। गाइज, मैंने ना आप लोगों को जो अभी ये क्वेश्चन दिखाया, मैं जब करंट की क्लास ले रही थी अभी अपनी, तो उसमें मैंने जब ये देखा, मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई कि जिस एयरपोर्ट से हम ट्रेवल करते थे, कोचीन एयरपोर्ट, जो आपने हमारी वीडियोस में देखा भी होगा, मतलब वो वहाँ पे पूरा अब बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होया करेंगी इन फ्यूचर, ऐसा अभी सुनने में आया है। और वहाँ पे जो पैसेंजर है वो ट्रेवल नहीं करेंगे, सिर्फ वो बिजनेस को डेडिकेट होगा। तो ये देख के अच्छा भी लग रहा है। और जैसे होता है ना कि हम जिस लोकेशन पे जा चुके होते हैं या हम वहाँ पे रहते हैं और फिर हम उसके बारे में कोई न्यूज़ सुने और वो न्यूज़ सुन के एकदम से हम उनको रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा, ये उस लोकेशन पे अब ऐसा होने वाला है। और आजकल जब मैं पढ़ती हूँ ना केरला की कोई भी न्यूज़ अगर मेरे सामने आती है तो खुशी होती है मुझे देख के। और मुझे वो न्यूज़ ना याद करने की भी जरूरत नहीं होती है, मुझे खुद से एकदम याद रहता है, माइंड में रहता है, अच्छा वहाँ पे ये हो रहा है। अभी जैसे एक और क्वेश्चन था, उसमें था कि सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर वो केरला में बन रहा है। लोकेशन का मुझे याद नहीं है कौन सी लोकेशन, शायद वो बताया भी नहीं, बट मैंने जब अमित को बताया कि पता है वहाँ पे ना केरला में 6 लेन फ्लाईओवर बन रहा है और वो ऐसा फर्स्ट फ्लाईओवर होगा, तो अमित ने मुझे बोला कि नहीं, दिल्ली में ऑलरेडी बना हुआ है तो जाके देखना। तो मैं वहां पे मिस कर गई थी अमित को बताते हुए कि वो ना सबसे लंबा, तो वो चीज मैं कल मिस कर गई थी। फिर मैंने ये दोबारा रीड किया, मुझे तब पता चला कि वो सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर केरला में बन रहा है फर्स्ट टाइम। तो गाइज, काफी अच्छा लगता है पढ़ के केरला की न्यूज। और गाइज, अमित की है नाइट शिफ्ट, जैसे कि वो आज दिन में, वैसे पहले पता चला कि 3 बजे होगी ड्यूटी स्टार्ट, फिर उसके बाद पता चला कि नहीं 6 बजे स्टार्ट होगी, तो वो पहले ऑफिस गए, फिर वहाँ से वापस आए, फिर कॉफ़ी वॉफी पी के फिर दोबारा गए और अब पूरी रात वहीं पे रहेंगे ऑफिस में क्योंकि नाइट शिफ्ट है। फिर अगला डे और नाइट ऑफ होगा तो वो मॉर्निंग में आएंगे। और मुझे वैसे डॉक्टर ने बोला हुआ है कि तुम्हें अपना रूटीन बनाना होगा, तुम्हें टाइम से सोना होगा, नाइट में 10 बजे के आसपास तुम्हें सो जाना चाहिए नाइट में, और मॉर्निंग में बेशक तुम 4 बजे के बाद कभी भी उठ सकते हो। शायद मैंने आपको बताया नहीं है कि हम लोग डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने बोला है कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं थैंकफुल हूँ सभी की तरफ से, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरी YouTube फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत उन्होंने विशेस दी है, मतलब बहुत ज़्यादा उनका प्यार दिखता है मेरे लिए। उसे देख के भी ना पॉजिटिविटी आती है, और हम लोगों की जो थोड़ी टेंशन होती है जब हम लोग शेयर करते हैं, तो शेयर करने के बाद हमें उधर से रिप्लाई जब मिलता है तो उसे देख के बहुत अच्छा फील होता है अंदर से कि हाँ, कोई चिंता कर रहा है हमारी। तो वैसे डॉक्टर ने बोला है कि बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कुछ मेडिसिंस है वो टाइम पे लेनी है, अपना रूटीन सही करना है, टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, अमित चाहे कैसे भी ड्यूटी जाए, चाहे अमित किसी भी टाइम खाना खाए, तुम्हें उसके अकॉर्डिंग नहीं खाना है ना ही उसके अकॉर्डिंग जगना है, और अगर तुम्हें पढ़ाई भी करनी है तो अपना टाइम से उठो, टाइम से सो, और दिन में करो जो भी काम करना है। बट वो ये, मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ पढ़ते हुए, जैसे अभी मैं क्लास ले रही थी तो मुझे टाइम ऐसे ही खींच रहा है क्योंकि डिटेल में पढ़ना होता है, नोट्स भी बनाने होते हैं, फिर साथ में बहुत टाइम लगता है एक क्लास में, तो उस चक्कर में मुझे थोड़ा लेट हो जाता है।
जैसे अभी टाइम हो रखा है 11 बजे हुए हैं, तो 11 बजने के बाद अभी मुझे 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं मेरे, वो कंप्लीट करने के बाद मैं फिर सोने जाऊंगी। और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है, वो तो बीच में मेरे को एकदम से वो क्वेश्चन दिखा केरला वाला, तो मेरा मन किया कि मैं ये वीडियो में बताऊं, मुझे अच्छा लगा देख के, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी खुशी शेयर करूं वीडियो में। तो 11 बजे के 11 अभी बज गए हैं, मुझे लगता है आज मुझे पढ़ते पढ़ते 12 बजेंगे। 12 बजे मैं सोऊंगी जाके, सुबह में अमित के आने का टाइम होगा, फिर मैं उस टाइम पे उठ के फिर अपना सुबह में पढ़ूंगी बैठ के। दिन में आज थोड़ा कम टाइम मिला था, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे को जो बोला गया है, डॉक्टर ने बोला है, अपना टाइम से खाओ पियो और इससे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस टैबलेट टाइम से लो, उसी से ही आपकी जो वो है सिस्ट वो डिजोल्व हो जाएगी। आप थोड़ा हरी सब्जियां और ये सब, मतलब वही है, फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जब मुझे पता चला था कि हाँ मुझे वो प्रॉब्लम फिर से हो गई है, तो फैमिली मेंबर जो होते हैं, रिलेटिव्स, ये सब फ्रेंड सर्कल, वो सब थोड़ा बोलने लगते हैं कि नहीं तेरे को अभी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तेरे को सर्जरी करानी पड़ेगी। तो मैं ना थोड़ा उस टाइम पे टेंशन में आ गई थी और मन भी नहीं लगता था किसी काम में। बट जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने ऐसे बोला चिल करो, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, ये तुम्हारा छोटा सा, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि नहीं मेरा तो पैसा बन रहा है कि नहीं तुम ऑपरेशन करा लो, ये ऑपरेशन की है ही नहीं, आपको ऐसी कोई मतलब कराने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप टेंशन फ्री रहो और अपना खाओ पियो आराम से रहो। और गाइस अभी मैं पढ़ती हूँ, ज़्यादा देर तक बात नहीं करती क्योंकि मेरा बीच में पढ़ाई छूट जाएगी, फिर ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे रात में, और मुझे वैसे नींद आ रही है आँखों में अभी थोड़ी थोड़ी। और गाइस अब डेली आपको व्लॉग में लग रहे हैं, बट गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोग व्लॉग देखते नहीं हो, आप सब व्लॉग देखा करो, हमें अच्छा लगता है, कमेंट किया करो। और काफ़ी सारी वीडियो है जो अभी भी आएंगी, आपके क्वेश्चन हैं उनके रिप्लाई करनी है। अब हम दोनों फ्री हो गए हैं, थोड़ा मैं भी ठीक हो गई हूँ, तो हेल्थ इश्यू भी खत्म हो गए हैं, और अमित भी थोड़ा टेंशन फ्री हो गया है क्योंकि आपको पता ही है घर पे उधर जो मेरे फादर इन लॉ है उनका ऑपरेशन हो रखा था, और इधर मैं साथ में बीमार हो गई थी, तो उस टाइम पे मतलब सब उलट पुलट हो गया था, तो वो अभी थोड़ा ठीक हुआ है। तो अब थोड़ा रेगुलर रहेंगे हम और आप लोगों से भी कनेक्ट करेंगे जैसे हम पहले थे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो अपना।